एक स्विच बोर्ड है, इसके अंदर हमें क्या करने हैं, कनेक्शन करने हैं। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर एक सॉकेट है, 3 पिन सॉकेट है और एक ये वन वे स्विच है, ठीक है। तो इसको कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आएंगे, दो वायर होंगे इस तरह से, जैसे ये फेज है और ये न्यूट्रल है। अब ये तार को देखकर हम नहीं बता सकते कि ये कौन से में फेज है और न्यूट्रल है। अगर स्टैंडर्ड तरीके से वायरिंग है तब तो बता सकते हैं। अगर उसका वायर का कलर ब्लैक है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है, या RYB यानी रेड येलो ब्लू इनमें से कोई वायर है, इसका मतलब वो फेज है। लेकिन अब फिर भी अगर ध्यान में नहीं हो कन्फर्म करने के लिए, क्या करें, फेज टेस्टर को लेंगे, यानी उसको अगर दोनों तारों को बारी बारी से एक बार टच करके देखेंगे तो जिसके अंदर उसके अंदर शाइनिंग यानी ग्लो करेगा नियॉन लैंप टेस्टर का, तो वो क्या होगा, फेज वायर। तो उसके बाद में क्या करना, ये पता करने के बाद कि फेज वायर ये है, तो ये इस फेज वायर को हम लेकर आएंगे स्विच के निचले टर्मिनल के अंदर, ठीक है। इसके बाद में ये जो हमारा है स्विच, स्विच का जो ऊपर का टर्मिनल है, इससे वायर लेकर आएंगे सॉकेट के इस टर्मिनल के अंदर, ठीक है। अब मैं स्विच का काम कंप्लीट हो गया, अब सॉकेट के अंदर एक टर्मिनल बाकी है, सॉरी दो टर्मिनल बाकी रह गए। तो ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल है न्यूट्रल का, तो इसको डायरेक्ट न्यूट्रल से यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। ऊपर की ये पिन है, ये मोटी पिन होती है 3 पिन के अंदर अलग से, ठीक है, ये होती है अर्थ की, ठीक है, अर्थ की। अब देखिए स्विच का, अब स्विच किस सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्विच में हमेशा फेज ही आता है, ठीक है, न्यूट्रल स्विच के अंदर बेसिकली काम में नहीं लिया जाता। एक बार देख लीजिए कि हमने क्या किया, फेज वायर को स्विच के निचले टर्मिनल में कनेक्ट किया, उसके बाद में वन वे स्विच का जो ऊपर का टर्मिनल है उससे सॉकेट के एक टर्मिनल के अंदर कनेक्ट किया, उसके बाद में दूसरे टर्मिनल में से डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया, यानी कि भी हमारा जो स्विच है वो फेज को कंट्रोल करेगा, न्यूट्रल डायरेक्ट रहता है और ऊपर की जो मोटी पिन है वो अर्थ की रहती है। आशा करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आया होगा।